नमस्कार, राष्ट्र लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जायन के आरोप में पड़ोसी ने की महिला की पिटाई, मामला पहुंचा थाने। जिला कांग्रेस कमेटी ने आयकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा अनशन। और पटमदा में आयोजित हुआ आसू का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर में आए दिन जायन के आरोप में महिलाओं की पिटाई होती रही है। ताजा घटना है जपसलाई थाना क्षेत्र का, जहां एक 40 वर्षीय महिला को उसी के पड़ोसी ने जायन का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की दी। घटना की सूचना थाना में देने पहुंची पीड़िता ने बताया, बातचीत के दौरान कहा है कि उसका पड़ोसी मनोज आए दिन उन्हें परेशान किया करता है और उनके साथ पूर्व में भी गलत बर्ताव करता था। गुरुवार की सुबह भी कुछ इसी तरह का घटना हुआ और मनोज ने पीड़िता के साथ ड्रायन होने का आरोप लगाते हुए मारपीट की। पीड़िता ने बताया है कि मनोज आवारा किस्म का लड़का है और उसकी बेटी के साथ भी हमेशा छेड़खानी करता है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अशोक कुमार गिरी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यही तो हो रहा है कि तुम मेरा द्वारी में चावल फेंक दिया है। हम बोले हम तो सब कुछ नहीं करते हैं, हम तो सीधा अपना आते हैं जाते हैं। आपके घर में हस्बैंड वगैरह फैमिली? नहीं, हाँ माँ मेरे बेटी रहते हैं, बेटी स्कूल जाती है। 10 दिन हो गया, 10 दिन से बेटी को भी तंग कर रहा है। क्या नाम है उन लोग का? जो मारपीट किया उसका नाम मनोज है। कहाँ का मनोज है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम भी नहीं बता सकते। कहाँ का आपका घर कहाँ है? काली मुस्तान रोड। कहाँ? जुगसलाई। क्या नाम है? जुगसलाई की जगह काली स्थान रोड डोरिया घर। तो आमने सामने घर है आप लोगों का? कितना दूर है? उसका सो ऐसे घुस के थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। आप उसके घर तरफ जाते थे, आते थे क्या? वही रास्ता ही है आने जाने का। तो आपसे कोई दुश्मनी उश्मनी पहले से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बगैर बराबर वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। लड़ाई झगड़ा बराबर करना चाहता है। यही कह के टाइम बता काली स्थान रोड गुरुद्वारा के पास महिला प्रभा देवी पंचकड़ा राज एक लिखित आवेदन दिया गया है, जो अपने पड़ोसी एक मनोज नाम के लड़के पर आरोप लगाई है कि इसकी लड़की महिला की बच्ची विद्यालय जाती है तो उसके पीछे पीछे वो जाता है और छेड़खानी किया जाता है, छेड़खानी करता है। कभी कभी उनके उनसे भी पड़ोसी है विभिन्न बिंदुओं पर गाली गलौज भी करता है। और इनके देवर के साथ, महिला का देवर यानी उस लड़की के चाचा के साथ किसी और बिंदु को लेकर पहले मारपीट की घटना भी हुई है, जिसका कि वर्णन इन्होंने आवेदन में महिला की है। आवेदन ले लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है, आरोप सही पाए जाने पर उसको गिरफ्तार करके दिया गया। और उधर जिला कांग्रेस कमेटी ने आयकर विभाग की जमशेदपुर शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला मुख्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन शुरू किया है, परंतु विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई के बाद अनशन को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान अनशन पर बैठे कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान ने बताया है कि विभाग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता इससे त्रस्त है। उन्होंने बताया कि इसका पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है, उल्टा उन अपराधियों का प्रमोशन कर दिया गया है जो सरासर गलत है। इन्होंने बताया है कि यह जांच का विषय है कि इस विभाग में बाहर से कितने पदाधिकारी लाए गए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ताजा जानकारी के मुताबिक श्रम विभाग के सचिव के द्वारा उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद अनशन को समाप्त कर दिया गया है। व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं से पैसा लिया जाता है, जो लोग वहाँ प्रशिक्षण के जाते हैं उनसे 25,000-30,000-40,000 रुपया लिया जाता है। हम लोग इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किए, माननीय मंत्री से किए, मुख्यमंत्री से किए, RTI के माध्यम से इस काम में किया, लेकिन इसका कोई भी फलाफल नहीं मिला। उल्टा हम लोग ये पता चला कि वैसे लोगों को और ज़्यादा ज़्यादा प्रमोशन दिया था। ये कोई आज से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त में पिछला 10 साल से जो भी बाहरी लोग यहाँ पर, यह जांच का विषय है कि कितने लोग झारखंड और लोकल जमशेदपुर से हर साल जाते हैं, कितने लोग बाहर से आके आने वाले हैं।
तो कंपनियों से उगाही होती है, इसका खिलाफ हम लोग, और ये मात्र एक हम लोग बताना चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार पूर्वी सिंहभूम जिला में कहीं भी सरकार के बैठे हुए, सरकार के विभिन्न पदों पर बैठे हुए पदाधिकारीगण जो कि भ्रष्टाचार करते हैं, जो ईमानदार उनके लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ में इसी तरह का जन आंदोलन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में आसू पार्टी जुगसलाई विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन पटमदा स्थित कॉलेज मैदान में किया गया, जिसमें आसू विधायक रामचंद्र सहित पार्टी सुप्रीमो व उप पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्व घोषित था और इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों से पहुंचे थे। कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थीं। मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी सुप्रीमो ने बताया कि झारखंड को अधूरी आजादी मिली है और यहां का कमान दिल्ली संभालता है। इन्होंने बताया है कि पूरे देश भर के खनिज पदार्थों में से 40% खनिज झारखंड में है, परंतु आज भी झारखंड के कई क्षेत्र अंधेरे में है, डूबा हुआ है और आसू पार्टी हमेशा से ही विशेष राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ती आई है और जब तक झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक पार्टी शांत नहीं होगी। आने वाली चुनौतियों का और आने वाले पार्टी के जो कार्यक्रम होंगे उसको बेहतर रूप से संचालन करने के जवाब देंगे। झारखंड को आधी आजादी मिली है आपने कहा, बिल्कुल जिस भावना आप अगर झारखंड हृदय के उद्देश्यों को अगर आप देखेंगे, 50 साल के संघर्ष के बिंदुवार अगर आप जाएंगे तो इस पूरे प्रदेश में प्रदेश की संपदाओं को ही यहाँ के संरक्षण के लिए, यहाँ के संपदाओं के संरक्षण के लिए, यहाँ के सांस्कृतिक पूरी पृष्ठभूमि के संरक्षण के लिए लोगों ने इस प्रदेश के प्रति समर्पण अपना दिखाया। प्रदेश आजाद हुआ बावजूद इसके जो नीतियाँ प्रदेश में बननी चाहिए, जो नीतियों का अधिकार प्रदेश के पास होना चाहिए, ये नीतियाँ और इनका अधिकार अभी तक प्रदेश के पास नहीं है। दूसरी कौन, ये राजनीतिक लड़ाई, ये प्लेटफॉर्म जिनको मिला, जिन लोगों को ये प्लेटफॉर्म नेतृत्व करने का अवसर मिला उस राज्य के औचित्य का नेतृत्व नहीं हो पाया। और उधर एमजीएम अस्पताल में लाख कुव्यवस्था के लिए लाख बदनाम है, उसके बाद भी अस्पताल कपूतों के कर्मों का बोझ उठा रहा है। जी हां, इस अस्पताल में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो औलादों के रहते यहां आश्रय लिए हुए हैं और भीख मांग रहे हैं। इनके लिए क्या होली क्या दिवाली, सबसे ये बेखबर है। कुछ ही दिन पूर्व ईद जैसा पवित्र पर्व बीता, उस दिन मुस्लिम भाइयों में काफी हर्ष का वातावरण रहा। सभी ने अच्छे अच्छे पकवान खाए, नए कपड़े पहने, लेकिन वहीं एमजीएम अस्पताल में एक ऐसा बुजुर्ग से मुलाकात हुआ जिसका अपना परिवार है। उसके बाद भी उन्होंने उस तरह लावारिस की तरह अस्पताल में सफाई कर्मियों व अन्य लोगों के मोहताज हैं। आज ईद का 3 दिन बीत चुका है पर उसके परिवार से कोई भी उनका सूद लेने नहीं आया। गुलाम मोहम्मद ने बताया है कि उनका एक बेटा एक बेटी है और वे लोग साक्षी में रहते हैं। बेटा फल बेचता है। वहीं दूसरी वृद्ध महिला ने बताया है कि उनके पति की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद वह अपना मकान बेचकर अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा की। उनका बड़ा बेटा गुल्लू टेलको कंपनी में काम करता है और वह उन्हें रखना नहीं चाहता है। तब वो अपनी बेटी माया के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ माह पूर्व उनकी बेटी व दामाद ने उन्हें घर से भगा दिया। उसके बाद से वह इस अस्पताल में रह रही हैं। वो भी यहाँ भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं। अच्छा तुम्हारे बाबा बच्चा मर गए और हुआ को मर। अच्छा, और कोई परिवार है? परिवार अच्छे, एक तो भासुर बेटा की अनंतो को पूछते ना तुम्हें तु कथाए आ अभी यहाँ है। बेटी कहाँ रहती है? सीताराम डेरा में, जुगसलाई में। क्या नाम है उसका? माया देवी। माया देवी कभी खोजती भी नहीं है? खोजती भी नहीं है। बेटा है? हाँ, 3 ठो बेटा। क्या क्या नाम वो लोग का? एक ठो बेटा तो काम करता है, 2 ठो छोटा छोटा है। क्या नाम क्या उन लोग का? जो नोट पे जाता उसका नाम है गुल्लू। गुल्लू गुल्लू छोटा वाला दोनों का? अरे मेरा दिमाग ठीक नहीं, मत बोलो। वो लोग क्या नहीं खोजता नहीं है कभी? नहीं। कहे 1 महीना 2 महीना हो गया, कहाँ कौन आता है कोई? 1 महीना से ज्यादा साफ है तब फिर कोई नहीं आता। कहाँ है घर आपका?
साची कहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा का? बेटा क्या नाम है? गुलाम है। ऐसे ऐसे बोलता का ख्याल। कितना बाल बच्चा है आपका? हमारा ए लड़का तो लड़की है। लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का। क्या घर में नहीं रह सकते? क्यों के रखेगा? क्या बोलता है घर वाला लोग? का भगाया है कि आप अपने आए हैं यहाँ? अपने नहीं भगा। तो फिर कहे आपने आ गए, उन लोग के साथ कहे नहीं रह रहे? बाबा इनका नाम गुलाम अहमद है। ये बाबा तकरीबन 4 माह से यहाँ पर लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है और नाश्ता खाना सब मैंने जिस पर आम पब्लिक इसको देता है दया का भावना से। 21 जाति समुदाय का है। जाति समुदाय का हमें पता नहीं था, लेकिन अभी करंट पता चला कि ये मुस्लिम जाति समुदाय का है। और आज एक मैंने मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा पर्व है, वो है ईद। आज ईद पर इस तरह का मुस्लिम समुदाय का एक सदस्य मैंने इस लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है कि किसी भी मुस्लिम समुदाय के पर एक विशेष मैंने बहुत बड़ा मैंने एक मैंने शर्म की बात है जो उनका एक शख्सियत जो भी है लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। ये तकरीबन हम लोग 4-4.5 महीना से इसको मैंने जिस तरह का होता है हम लोग अपने स्तर पर नाश्ता वगैरह चाय वगैरह जो भी हम लोग समय पर देते हैं। तो साफ साफ भी लग रहा है, नहाए धोए भी लोग वो भी करते हैं क्या? हाँ, इसको इन पर साफ सफाई भी ध्यान दिया जाता है, समय समय नहाया जाता है। और हम लोग जो भी इस तरह का सेवा का भावना से इस पर हम लोग विशेष ध्यान दिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 माह पूर्व से मानव अधिकार लोग अस्पताल में बेटी बचाओ अभियान की मुहिम छेड़े हुए हैं। यह काम समाज के लिए काफी सराहनीय है, पर उनकी नजर में बेटियां ही मानव अधिकार में आती हैं। क्या ये बुजुर्ग मानव नहीं हैं? यदि होते तो मानव अधिकार वाले इन्हें जरूर न्याय दिलाते। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर सिद्धगुड़ा पुलिस ने बुधवार को देर रात में मानसिक विक्षुब्ध होने के संदेह में एक युवती को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। वह 12:30 बजे रात में सिद्धगुड़ा ब्लू स्कोप कंपनी के समीप संदिग्ध परिस्थिति में अकेले घूम रही थी। सिद्धगुड़ा थाना की महिला पुलिस ने बताया है कि वे लोग देर रात में ब्लू स्कोप कंपनी के समीप गश्ती में थे कि अचानक उन लोगों को कंपनी के समीप एक युवती संदिग्ध परिस्थिति में घूमते हुए नजर आई। तब वे लोग उस तक पहुंचे तो देखा कि वह युवती कुछ पाग लोगों की तरह हरकत कर रही थी। उसके बाद वे लोग उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे देखकर लगता है कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। वह काले रंग का कपड़ा पहनी हुई है। कुछ लोग उसे देखकर यह भी संदेह जता रहे हैं कि वह युवती का संदेह जता रहे हैं कि कहीं उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उस लड़की के चेहरे पर कुछ खरोच के निशान भी दिखे। यह जांच का विषय है। पुलिस उसके होश में आने के इंतजार कर रही है। कुछ देर के लिए उस युवती को होश आया था, तब वह अपना नाम आयशा प्रवीण बताई और वह सीताराम डेरा 3 नंबर रोड निवासी बता रही थी। कुछ नाम उन बताइए क्या? मेरा क्या बता रही थी अपना नाम? वो तो आज आयशा प्रवीण बता रही थी। कुछ एड्रेस बताइए। एड्रेस तो 3 नंबर बता रही थी। कैसे मिली है आप लोग को? रात में 12 बजे रोड से उठा के लाया है। क्या कोई सूचना दिया था या आप गश्ती के दौरान? गश्ती के दौरान। गश्ती में कौन था ना? सिद्धगुड़ा। क्या देखने से क्या लग रहा है? ये तो देखने से भागती है, उल्टा उसी जगह भागती है। मैंने इसके साथ कुछ क्राइम हुआ है या फिर ये पागल उगल है, क्या लग रहा है इसे? पागल टाइप है लग रही है। और उधर JRDCL की हेल्पलाइन के स्वास्थ्य कर्मियों ने आदित्यपुर 2 नंबर साईं मंदिर के समीप से एक वृद्ध व्यक्ति को बेहोशी की हालत में उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। JRDCL के स्वास्थ्य कर्मचारी एन महतो ने बताया है कि वे लोग जब 2 नंबर रोड साईं मंदिर के समीप पहुंचे थे तो उन्हें सूचना मिली कि मंदिर के समीप एक वृद्ध व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। जब वे लोग घटना की जानकारी स्थानियों से ली तो कुछ लोगों ने बताया कि वह वृद्ध व्यक्ति पिछले 2 दिनों से वहीं मंदिर के समीप बीमार बैठा था और जब बारिश भी होता तो वह बैठा ही रहता था, जिसके कारण वह काफी बीमार पड़ गया और बेहोश हो गया। उसके बाद वे लोग आदित्यपुर थाना को सूचना दिए और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए। इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो हम लोग इस टाइप साईं मंदिर के बगल से ला रहे हैं, मेन रोड हम लोग का सर्विस रोड में था और हम लोग JRDCL कंपनी थ्रू से हैं। एम्बुलेंस हम लोग चलती है,
किसी प्रकार का घटना होता है, किसी प्रकार का आने की दुर्घटना होती है, तो हम लोग उसको उनके बारे में क्या पता चला? उनके बारे में हमको यही पता चला कि बुजुर्ग आदमी हैं, बारिश से भींग गए हैं, कमज़ोर हैं, इसके चलते वो उसका तबीयत अभी बिगड़ गया, मूर्छित अवस्था में रोड में थे कि किनारे। और उधर रानी सती सत्संग समिति जुगसलाई के तत्वाधान में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ज्योति प्रज्वलित कर 108 महिलाओं ने मंगल पाठ किया। दोपहर से प्रारंभ हुआ मंगल पाठ शाम तक चला। इसमें शहर की जानी मानी गायिका सुमिता भारद्वाज ने दादी रानी सती के भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान कई आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। और अब चलते हैं एक नजर करके सुर्खियों पर। जायन के आरोप में पड़ोसी ने की महिला की पिटाई, मामला पहुंचा थाने। जिला कांग्रेस कमेटी ने आयकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा अनशन। और पटमदा में आयोजित हुआ आसू का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।